हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से डीप यू शेप करना बताऊंगी। ये मैंने बिगनर्स के लिए ध्यान में रखते हुए और बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बताए हैं ताकि बिगनर्स को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बालों में अच्छे से कॉम करेंगे और वाटर स्प्रे करेंगे। उसके बाद हम ईयर टू ईयर पार्टीशन लेंगे, फ्रंट वाला एरिया अलग करेंगे और बैक एरिया बालों का अलग करेंगे। अच्छे से पिनअप कर देंगे ताकि हमारे बाल फ्रंट वाले जो बाल हैं वो पीछे वाले बालों में मिक्स ना हो। ईयर टू ईयर पार्टीशन, इस कान से लेकर उस कान तक, यानी कि फ्रंट वाला एरिया अलग करेंगे और बैक वाले बालों में अच्छे से कॉम करेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो हमारा सेंटर का पार्टीशन है, पीछे के जो बाल, उसमें मैंने सेंटर से थोड़े बाल लिए हैं और 5 सेक्शन किए वर्टिकल। ये मैंने बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए किया है ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं इनको क्लिप करके अलग अलग पिनअप कर देंगे इस तरीके से। उससे क्या होगा कि समझाने में आसानी होगी। ये देखिए, एक हिस्सा मैंने बैक सेंटर में लिया है, बीचों बीच बैक वाले बालों में, और जितनी हमें लेंथ चाहिए उतनी हम लेंथ अपनी डिसाइड कर लेंगे जो कि हमारी गाइडलाइन का काम करेगी। ये देखिए, ये इसको मैंने जितनी हमें लेंथ चाहिए उसके हिसाब से काट दिया है। अब हम जो साइड वाले सेक्शन है इसके अकॉर्डिंग ही हम इसी में से गाइडलाइन लेते हुए कट करते जाएंगे। साइड वाला सेक्शन खोलेंगे और इसमें से थोड़े से बाल लेकर उसमें मिक्स करके हमारी जो कि गाइडलाइन का काम करेगी, जब तक हमें गाइडलाइन ना दिखाई दे कट नहीं करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि जो हमने बीच वाला जो सेक्शन काटा है वो सेंटर में काटा है, लेकिन साइड वाला जो सेक्शन काटा है वो शोल्डर के पीछे ले जाकर काटा है, और जो थर्ड वाला सेक्शन है वो शोल्डर से आगे, शोल्डर के बिल्कुल सेंटर में ले जाकर काटेंगे थर्ड वाला जो सेक्शन है। इसी तरीके से इधर फॉलो करेंगे, ये सेक्शन खोल लेंगे साइड वाला और उसमें से थोड़े से बाल मिक्स करके हम लोग गाइडलाइन बनाते हुए शोल्डर के पीछे लाएंगे, बालों को अच्छे से कॉम करेंगे और कट कर देंगे। ये देखिए, गाइडलाइन फॉलो करेंगे। ये गाइडलाइन मैंने सेंटर में जो बनाई थी वही चीज़ फॉलो करेंगे। अब हम लास्ट वाले सेक्शन को जो कट करेंगे, अब इनमें से थोड़े से बाल उधर लेकर जो कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन में गाइडलाइन का काम करेंगे। ये देखिए, ये मेरी गाइडलाइन है और हम एक्स्ट्रा बाल कट कर देंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा लुक आएगा हमारी कटिंग में और हम कितना भी कॉम करें हमारी शेप खराब बिल्कुल नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि नॉर्मल तरीके से यू शेप कर देते हैं और कॉम करने के बाद बाल जो है आगे पीछे या शेप हमारी बिगड़ जाती है। अब हम फ्रंट वाला सेक्शन खोलेंगे और बैक वालों में मिक्स करते हुए काटेंगे। ये देखिए, हमारी गोलाई आ गई है। फिर भी चेक कर लेंगे, अगर कोई कहीं से बाल एक्स्ट्रा निकल लग रहा है तो कट कर देंगे इस तरीके से। यही चीज़ हम दूसरी तरफ फॉलो करेंगे, फ्रंट वाला सेक्शन खोलेंगे और पीछे से जॉइंट करते हुए एक्स्ट्रा कट कर देंगे गोलाई देते हुए। ये लेज़र की तरह होगा, जैसे हम लोग फ्रंट लेज़र करते हैं उस तरीके से। हमारा कट हो गया है, अब हम इसमें डायर करके इन्हें बालों को अच्छे से सीधे कर देंगे ताकि एक अच्छा सा लुक आए और यू शेप अच्छे से दिखाई दे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। फाइनल लुक आ गया हमारा, ये देखिए, ये हमारा डीप यू शेप कितना प्यारा लुक आया है। थैंक यू फ्रेंड्स।